फैक्ट्री के बिल्कुल सेंटर के अंदर आपके चारों तरफ आप मशीन देख सकते हो। ज्यादातर पेंसिल के नाम क्या है आपको भी बताया था मैंने, बाहर वाली तो कटिंग मशीन हो गई, इन मशीन का नाम क्या बताया था मैंने आपको, पावर प्रेस। इससे क्या किया था, अंदर शीट पर रखा था, अंदर उसको प्रेस किया और उसको प्रेस करके चली गई और अंदर उसका हॉल कर दिया। आपके पास तो देखो चारों तरफ कोई छोटी दिख रही है, कोई बड़ी दिख रही है, कहाँ कहाँ दिख रही है, छोटी कहाँ है, सबसे बड़ी कहाँ है और सबसे छोटी, ये मेरे पास में ये सबसे छोटी। इन सब की कैपेसिटी मतलब अपन लोग होता है कि कोई छोटा होता है तो कम बजे उठा सकता है, कोई बड़ा होता है तो ज़्यादा बजे उठा सकता है, मतलब सबकी इनकी कैपेसिटी होती है। ये मेरे पास में जो है ये 5 टन की कैपेसिटी, 5 टन कितने हुए, कॉलेजन टन, केजी, ग्राम, ग्राम छोटे होते हैं कि केजी छोटा होता है, वेरी गुड वेरी गुड। केजी पहले ग्राम फिर केजी फिर केजी के बाद में आ जाता है टन्स। 1000 kg इज इक्वल टू 1 टन, मेजरमेंट सीखे ना आप लोगों ने, 1000 kg इज इक्वल टू 1 टन और इसकी कैपेसिटी है 5 टन, 5000 kg इसकी कैपेसिटी। और आपके बैक साइड में जो सबसे बड़ी वाली पड़ी है इसके केजी का वजन, इसकी कैपेसिटी है 50 टन, 50 टन इज इक्वल टू 50000 kg। मतलब आप लोग सारे के सारे बस के अंदर बैठ जाओगे, उसके बाद में अगर उसका वेट करेंगे तो भी उसकी कैपेसिटी से कम निकलेगी। आप सबका वेट जितना होगा ना उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी। अब कैपेसिटी क्या, मतलब अगर इसको हम लोग इतनी मोटी शाफ्ट, लोहे की इतनी मोटी शाफ्ट अगर हम लोग उसमें डाल करके कटिंग करेंगे वो काट देंगे, इतनी कैपेसिटी है इसके अंदर नहीं होगी, इसके अंदर हम छोटी वाली शाफ्ट बनाएंगे, ठीक है। अभी शाफ्ट मेरे पास में बाहर पड़ी हुई है, कटिंग में कर नहीं पाऊंगा, बाकी नहीं तो मैं आपको कटिंग करके भी दिखाता हूं। इतनी मोटी शाफ्ट को गाजर की तरह तोड़ देते, ठीक है।